हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पार्लर ऑफ द वर्ल्ड। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेहंदी में ऐसा क्या क्या मिला है जिससे कि हेयर ग्रोथ भी अच्छी हो और साथ ही आपके जो हेयर है वो सॉफ्ट हो जाएं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की ये शिकायत होती है कि मेहंदी लगाने के बाद हेयर जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों का मैं सॉल्यूशन लेके आई हूँ, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप भी चाहते हो ब्यूटीफुल कलर जो कि आपके हेयर में आने वाला है, तो बहुत सारे लोगों को मेहंदी लगाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है और मैं भी यही सजेस्ट करती हूँ कि कलर से ज़्यादा अच्छा तो मेहंदी लगाना होता है, क्योंकि कलर आप एक बार इस्तेमाल करते हो तो फिर बाद में आपको वो यूज़ करना ही पड़ता है, क्योंकि आपके हेयर बहुत जल्दी वाइट होने लगते हैं। बट मैं प्रिफर करती हूँ कि भाई आप मेहंदी लगाओगे तो मेहंदी आपके बालों के लिए भी अच्छी रहती है और साथ ही ये एक अच्छा सा कलर देती है, मुझे तो बहुत अच्छा, और इसकी जो खुशबू है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो काफ़ी सारे लोगों की ये शिकायत रहती है कि भाई हम मेहंदी लगाते हैं तो मेहंदी वॉश करने के बाद हमारे जो हेयर है वो थोड़े ड्राई ड्राई से लगने लगते हैं, रफ लगने लगते हैं। तो आज मैं उसका सॉल्यूशन बताने वाली हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, मेहंदी लेनी है और यहाँ पे मैंने सिकाकाई पाउडर ले रखा है, अगर आपके पास नहीं है तो आप मार्केट से परचेज कर सकते हो, इसमें बहुत सारा निकलता है। और मैंने यहाँ पे दो पैकेट लिए हैं, ये दो रुपए वाले कॉफ़ी के, अगर आपके पास कॉफ़ी पाउच बड़े हैं तो आप वो रख लीजिए, बट मैंने यहाँ पे इसलिए लिए हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कितना लेना है। ओके, और यहाँ पे मैंने ये एक एग ले लिया है, एक अंडा ले लिया है, तो ये जो अंडा है ये हमारा काम करेगा हमारे हेयर को सॉफ्ट करने का, और जो हमारी कॉफ़ी है वो बालों में कलर लाने का बहुत अच्छा काम करती है, और जो हमारा ये सिकाकाई पाउडर है ये हमारी हेयर ग्रोथ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और अगर आपको शिकायत है कि आपके जो हेयर है हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये शिकायत भी आपकी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें दिखा दी, मैंने क्या क्या ली हुई हैं, तो आपको भी यही सारी चीज़ें लेनी है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम अब इसको मिक्स करेंगे, सारी चीज़ों को मैं दिखाऊंगी किस तरह से इसका पेस्ट बनाया जाता है, और लगाते हुए मैं नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। और मैं आप सभी लोगों को कहूंगी कि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच जरूर किया कीजिए। ओके, तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक बाउल लेना है जिसमें आप मेहंदी डालोगे, तो मैं यहाँ पे अपने पैकेट्स ओपन कर ले रही हूँ, उसके बाद मैं मेहंदी पूरे उस बाउल में डाल दूँगी। ओके, तो मैंने यहाँ पे जो पैकेट लिया है वो तीन पैकेट लिए हैं, आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले लीजिए। आपके हेयर ग्रोथ अगर ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा मेहंदी की ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप ये वाली मेहंदी नहीं लेना चाहते तो जो खुली हुई मेहंदी आती है आप वो भी ले सकते हो, वो भी बहुत अच्छा कलर देती है। तो मेरे को तो ये मेहंदी सही लगती है और उसका कलर भी मुझे बहुत प्यारा लगता है। तो यहाँ पर मैंने ये जो तीनों पैकेट हैं ये ले लिए हैं, और ये देखिए तीनों में अलग अलग कलर निकला। तो यहाँ पे अब मैंने क्या लिया, यहाँ पे मैंने सिकाकाई लिया है, तो मैं आज आपको बताऊंगी यहाँ पे कि कितना डालना है, क्योंकि इसमें बहुत सारा निकलता है। तो और साथ ही ये मेरा ऑयल बनाने के भी काम आता है, क्योंकि ये बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, तो मैं इसको ऑयल में भी यूज़ करती हूँ। तो ऑयल वाली वीडियो मैं आपको फिर किसी दिन दिखाऊंगी। तो आज मैं यहाँ पे मेहंदी लेके आई हूँ, तो ये भी आप डाल लोगे तो यार अच्छा ही रहेगा, आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो भी अच्छी होने लगेगी और बाल भी आपको सॉफ्ट नज़र आएंगे। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ कॉफ़ी, तो कॉफ़ी मैंने इसलिए ली है ताकि जो हम कलर चाहते हैं ना वो कलर आ जाए, कॉफ़ी बालों का कलर चेंज कर देता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ दो पैकेट लिए हैं दो रुपए वाले, अगर आपका बजट है या फिर आपके हेयर ज़्यादा हैं ग्रोथ ज़्यादा है तो आप वो ले सकते हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लीजिए। यहाँ पे मैंने एग ले लिया है, देखो अगर आपके हेयर ड्राई हैं पहले से ही, आपके हेयर बहुत ज़्यादा रफ़ हैं, तो अंडे में से ये जो येलो वाला पार्ट निकलता है ना, येलो वाला भाग जो होता है, इसे अवॉइड करना है, इसे नहीं डालना है बिल्कुल भी। ठीक है, आपको क्या डालना है, जो इसमें वाइट वाइट जेली टाइप में निकलती है ना वही डालना है। ओके, तो इसीलिए मैंने भी क्या करा है, मैं ये येलो वाला पार्ट को अवॉइड करती हूँ, तो मैं आपको भी यही सजेस्ट कर रही हूँ। तो इसका जो जेली है वो हमने इसमें डाल दिया, अब हम यहाँ पर मिक्स कर रहे हैं वाटर, तो वाटर मैं मिला ले रही हूँ। और अब क्या करना है, आपको इसको अच्छे से फेंटना है, तो अगर आप हाथ से सूटेबल हो तो हाथ से कर लीजिए, मैं तो ब्रश से कर रही हूँ क्योंकि हाथ बहुत ज़्यादा रेड रेड से हो जाते हैं यार, और वो काफ़ी दिनों तक मेहंदी का कलर जाता ही नहीं है। तो यहाँ पे आपको एक ही बार में वाटर नहीं डाल देना है, एक ही बार में पानी नहीं करना है, आपको धीरे धीरे करके पानी डालना है ताकि आपकी जो मेहंदी है वो एकदम से गीली ना हो जाए, क्योंकि अगर ज़्यादा मेहंदी गीली हो जाएगी तो यार आपको एक्स्ट्रा मेहंदी ऐड करने पड़ेगी जो कि बेकार रहेगी, वेस्ट हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और आपको ये मेहंदी को मिक्स करते हुए चलना है, जैसे आपने देखा होगा आटा वगैरह गूंथते हो ना, तो उसी टाइप से थोड़ा थोड़ा पानी करके यहाँ पर डालना है, और मैं भी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ।
क्योंकि हमें एक घोल टाइप में तैयार कर देना है, तो वो घोल ऐसा होना चाहिए कि ज़्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा सूखा भी नहीं होना चाहिए। देखो मैं आपको धीरे धीरे करके एक एक चीज़ें यहाँ पे समझा रही हूँ कि किस टाइप से होना चाहिए। देखो अभी ये जो है ना, ये हमारी मेहंदी बहुत ज़्यादा थिक हो रखी है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, और साथ ही इसमें जो ढीले टाइप में बनते हैं ना, वो भी बहुत ज़्यादा बन रखे हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना है, अपने ब्रश को प्रॉपर चलाते हुए चलना है और कहीं भी स्टॉप नहीं करना है। अगर आप हाथ से इसको मिक्स कर रहे हो तो ध्यान रखें इसके अंदर जो वो गीठे टाइप में बन जाती है ना, उसको भी अच्छे से आपको ऐसे मिक्स करते हुए चलना है। ओके, तो जब आप ब्रश की मदद से या हाथों से इसको अच्छे से मिक्स करते हुए चलोगे तो एक टाइम पे आके ये अच्छे से एकदम प्लेन जैसा ये पेस्ट बन जाएगा। अभी देखना कैसा बनेगा। यहाँ पे मैं एलोवेरा ऐड करना भूल गई थी स्टार्टिंग में, तो मैं अब ऐड कर रही हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, अपने रूफ से लेके आ गई। मैंने बहुत सारे एलोवेरा के पेड़ लगा रखे हैं, अगर आपके पास नहीं है तो इसका जुगाड़ आप पहले कर लीजिए, और फिर मार्केट में ये वैसे भी आता है, बट ये हर्बल वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि एकदम प्योर है, और मार्केट वाले में यार कुछ ना कुछ तो मिलावट होती है, तो वो चीज़ें मैं अवॉइड करती हूँ क्योंकि हेयर है तो हेयर के साथ मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती। तो अगर आप स्किन के लिए भी एलोवेरा लेते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि यही वाला लीजिए, क्योंकि हर्बल है तो आप भी मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन फ्री रहोगे कि यार इससे आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन काफ़ी सारे लोगों में ऐसा देखा गया है कि एलोवेरा उन्हें सूट नहीं होता है और उन्हें दिक्कत होने लगती है एलोवेरा से, तो अगर आपको भी ऐसी कोई दिक्कत है तो आप एलोवेरा को अवॉइड कर सकते हो। अब देखो जब मैंने एलोवेरा यहाँ पे मिक्स किया तो यहाँ पे देखो किस तरह से यहाँ पे एक कलर आ गया, और साथ ही ये जैली जैली सा हो जाता है। आपको इसको मिक्स करने में बहुत आसानी होगी और बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सा लगता है। ओके, तो अब मैं यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ, मुझे इसको मिक्स करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो अगर आपने भी इस तरह से किया है तो आपको पता होगा कि कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं यहाँ पे देखो दिखाती हूँ, अभी भी ये हमारी मेहंदी जो है वो बहुत थिक हो रखी है, बहुत ज़्यादा मोटी हो रखी है। तो अब हमें इसे क्या करना है, थोड़ा सा इसमें वाटर ऐड करके इसको थोड़ा सा पतला करना है। ओके, तो आप देख लेना आपकी हेयर ग्रोथ कैसी है, अगर हैवी है तो आपको रखना इसी तरह से जितना मैंने बोला है, लेकिन आपको सिर्फ अपनी मेहंदी की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ सकती है, क्योंकि ये मैंने 3 पैकेट घोले थे लेकिन तीनों मेरे थोड़े से कम पड़ गए, बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं याद रखूँगी। कभी कभी यार 2 में ही हो जाता है, कभी 3 हो जाता है, हो सकता है ग्रोथ अच्छी होती जा रही है। तो देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ कि किस तरह से आपको दिखानी है। और देखो जब मैं मेहंदी लगा रही थी तो किस तरह से इतना हार्डवर्क करना पड़ता है, तो इस तरह से मेहंदी लगा रही थी, और मेरे हेयर जो है वो वाइट नहीं है, मुझे सिर्फ इसलिए लगानी होती है क्योंकि मुझे इसका कलर चाहिए होता है, मुझे इसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और मैं हेयर कलर्स वगैरह तो नहीं लगाती हूँ। बहुत सारे लोग कलर भी यूज़ करते हैं बालों में, तो मैं उन्हें बोलूँगी यार बालों में कलर मत किया कीजिए, क्योंकि बालों में कलर करने से आपके हेयर जो है वो बहुत ज़्यादा वाइट होने लगते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि आपको मेहंदी को ही चुनना पड़ता है, आप मेहंदी ही लगाना शुरू करते हो। तो इसीलिए देखो मैं किस तरह से लगा रही हूँ वो भी देख लीजिए, और कितना ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है वो भी देख लीजिए। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा, और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो, मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप कोई टॉपिक चाहते हो जिस पे वीडियो बनानी है तो आप प्लीज मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगी आपके बताए गए टॉपिक पे वीडियो बनाने की। अगर वीडियो थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल ना भूले, और अपने अड़ोसी पड़ोसी फ्रेंड्स सबको वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि इसका लाभ सभी उठा सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो से, तब तक बाय बाय, टेक केयर।